आज हम पाक चोए को हार्वेस्ट करेंगे। इसको पाक चोए भी बोलते हैं, इसे बुक चोए भी बोलते हैं। इसको लगाने का सीजन कौन सा है और कितने दिनों में ये सीडलिंग से हार्वेस्ट तैयार हो जाता है, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर। तो चले हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई की वीडियो को लाइक तो बनता है। इतनी सर्दी में आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो चलें इसको हार्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी सीडलिंग आप कब कर सकते हैं। इसकी सीडलिंग आप अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 माह के अंदर आप इसकी इजिली सीडलिंग कर सकते हैं और इनकी पनीरी तैयार करके फिर अलग अलग पॉट में लगा देंगे। 12 इंच का पॉट इसके लिए बेहतरीन साइज है। ये 12 इंच का पॉट है और देखे हेल्दी इसका साइज बन चुका है। और सिफारिश करते हैं तो फर्टिलाइजर इसके लिए हम ऑर्गेनिक, मैंने ये प्योर ऑर्गेनिक तरीके से लगाए हैं। इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं की केमिकल वाली। इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया, गाय का गोबर इस्तेमाल किया, इसके अलावा कुछ भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो बेहतरीन हमारे पाक चोए बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी सीडलिंग से हार्वेस्ट तक ये कितना टाइम लेते हैं। ले जी माशाल्लाह चेक करें कितना खूबसूरत है। नीचे से ये जो पत्ते हैं ये वाले, बस ये, बाकी ये सारे के सारे पत्ते खाने वाले हैं। ये चेक करें, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मसनूई पौधा है हमारा ये वाला, लेकिन मसनूई नहीं है, ओरिजिनल में हमारा बुक चोए है। अच्छा, जब इसकी सीडलिंग करते हैं पनीरी आपकी तैयार हो जाती है 25 दिनों के अंदर अंदर। पनीरी को आपने ट्रांसप्लांट कर लिया, ट्रांसप्लांट करने के बाद ये 25 दिन या 30 दिन लेंगे इस साइज के बन जाएंगे। अगर आप हर 8 दिन बाद इनको ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करते रहेंगे, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, अगर वेजिटेबल कंपोस्ट है वो इस्तेमाल करें, अगर आपके पास गाय का गोबर है तो वो इस्तेमाल करें। गाय का गोबर बेहतरीन है इनके लिए, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर NPK होता है, तो NPK बेहतरीन है। अगर डीकम्पोस्ट वाला गाय का गोबर है तो उससे अच्छी चीज कोई और नहीं है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं कि पानी की कितनी इन्हें जरूरत पड़ेगी। पानी की जरूरत आपने मट्टी को नम रखना होता है, ज्यादा मट्टी गीली नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आपके पास बल्ब मट्टी है तो बल्ब वो होती है जो नहरी बल्ब, दरियाई बल्ब, मतलब इनके किनारों और इनके बीच से उठाई जाती है, उसे सिल्ट भी बोला जाता है। वो वाली मट्टी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो वेल ड्रेन होती है और वो सख्त नहीं होती पानी देने के बाद। ये साथ वाला भी हम हार्वेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, जो हल्के येलो वाला पत्ता था ये वाला, ये खाने के लायक नहीं रहा तो कभी मैंने तोड़ दिया, और ये हमारा पूरा पौधा खाने के लायक बन चुका है। ये चेक कर लें जी, ये आपका रहा पाक चोए बेहतरीन तरीके से। इनको लगाना बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरी इसके अलावा भी पनीरी तैयार हो चुकी है, जब मैं ये हार्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद उनको मैं लगा दूंगा, तो वो भी मेरे पाक चोए मुझे एक रूटीन से मिलते रहेंगे। इससे पहले भी मैं इनको हार्वेस्ट कर चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।